हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ हेटरोजीनियस आइटम एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। और हमने बात की थी ऑपरेशंस की जो कि लिस्ट पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रेवर्सल और सॉर्टिंग था। तो हम इन सारे ऑपरेशंस को आज प्रैक्टिकली पाइथन कोडिंग के थ्रू देखेंगे। ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स आज के लिए, जिसमें हम इंसर्शन इन द लिस्ट बात करेंगे, डिलीशन फ्रॉम द लिस्ट एंड ट्रेवर्सल विथ सर्चिंग। तो सर्चिंग में दो तरीके की सर्चिंग होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर सर्च की। बाइनरी सर्च हम रिकर्जन में देख चुके हैं। आप यदि बाइनरी सर्च को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्शन की। तो इंसर्ट करने के लिए हम यूजर से एक आइटम लेंगे और उसको लिस्ट में, एल मेरी एक लिस्ट है, उसमें अपेंड कर देंगे। डिलीशन करने के लिए मैं पॉप फंक्शन का यूज करूंगा। ट्रेवर्सल के लिए मैं एक लूप का यूज करूंगा, जिसके थ्रू मैं अपने लिस्ट में हर एक एलिमेंट पर विजिट करूंगा, उसको प्रिंट करूंगा। सर्चिंग में मैं लीनियर सर्च की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लीनियर सर्च में क्या होता है, मैं सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक करता हूँ। यदि मेरे पास लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट से लेके 10th एलिमेंट तक सारे एलिमेंट चेक करूंगा और फिर उसमें ढूंढूंगा यदि मेरा आइटम जो कि मुझे सर्च करना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यूजर से एक आइटम ले रहा हूँ और उसको एक लूप के थ्रू मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, और आई को मैं आइटम से चेक करूंगा। जब तक मुझे आइटम नहीं मिल जाता अपने लिस्ट में, तब तक मैं इस लूप को रन करता रहूंगा। जैसे ही मुझे आइटम मिलेगा मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एल ऑफ आई से चेक करूंगा अपने आइटम को। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ, लिस्ट डॉट पी वाई। मैं एडिट करूंगा। सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं इंसर्शन। प्रोग्राम में एक मैं स्टार्टिंग में खाली लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एल डॉट अपेंड करूंगा। अपेंड क्या करना पड़ेगा मुझे, आइटम। आइटम कहाँ से लूंगा, आइटम में यूजर से लूंगा। साथ ही में मैं एक डिलीट फंक्शन बनाता हूँ, जिसका यूज करके मैं आइटम को डिलीट करूंगा। तो डिलीशन के लिए मैं पॉप फंक्शन का यूज करूंगा। अपेंड, पॉप, ये सारे मेरे लिस्ट के फंक्शंस हैं। तो पॉप मुझे उस आइटम को डिलीट करने में मदद करेगा। चलिए इसको अब हम रन करके देखते हैं। साथ ही में मैं एक फंक्शन मीनू बना लेता हूँ, जो कि मुझे मीनू प्रिंट करके देगा। टू का यूज करूंगा मैं डिलीट के लिए। तो जैसे ही मेरा ये मीनू प्रिंट होगा, मैं एक चॉइस यूजर से लूंगा, int choice, enter choice, user choice देगा, then I will check if ch double equal to 1, यदि 1 के बराबर है, that means user insert करना चाहता है, तब मैं insert function को call कर दूंगा, else if ch double equal to 2, then मैं delete function को call करूंगा। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैंने एक खाली लिस्ट बना ली है, जिसमें मैं अपेंड और डिलीट करूंगा और मैं मीनू फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। तो ये मुझे मीनू प्रिंट करके देगा। हमने ये दोनों फंक्शन बना लिए हैं। साथ ही में हम एक फंक्शन बनाते हैं ट्रेवर्सल, जिसके थ्रू मैं अपने सारे एलिमेंट्स पर विजिट कर पाऊंगा। सारे एलिमेंट्स पर विजिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप का यूज करूंगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट की लेंथ लूंगा और उस पर मैं एक एक एलिमेंट पर विजिट करूंगा। तो मैं यहां पर मेरी लिस्ट एल है, तो एल ऑफ आई करने से मैं हर एक एलिमेंट को यहां प्रिंट कर पाऊंगा। तो हर एक एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट मींस मैं हर एक एलिमेंट पर विजिट कर पा रहा हूं। यहां पर मुझे एक और मीनू देना पड़ेगा फॉर ट्रेवर्सल,
एक चॉइस और होगी मेरी यहां पर, इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 देन ट्रेवर्सल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। यदि 1 प्रेस करता हूं तो ये मुझसे आइटम पूछेगा क्या इंसर्ट करना है, मैं 10 देता हूं तो ये एग्जिट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मीनू में एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि ये चलता रहे। जब मैं इसमें लूप लगाता हूं व्हाइल लूप ट्रू, दैट मींस ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसको मुझे कहीं जाकर ब्रेक भी करना पड़ेगा, तो मैं ब्रेक कंडीशन यहां पर देता हूं, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा मेरा प्रोग्राम। तो मैं फोर्थ कंडीशन देता हूं एग्जिट, एग्जिट का चॉइस देगा यूजर तो मैं प्रोग्राम से एग्जिट हो जाऊंगा। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है और यहां पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एग्जीक्यूशन है। यदि मैं चॉइस देता हूं 1 तो ये इंसर्ट करने के लिए आइटम मांगेगा, मैंने 10 दिया तो 10 मेरा लिस्ट में इंसर्ट हो गया। तो मैं सारे आइटम्स को विजिट कैसे कर पाऊंगा यूजिंग ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, दैट मीन्स मेरे लिस्ट में 10 है। मैं एक और आइटम इंसर्ट करता हूँ 20, अब मैं फिर ट्रेवर्सल करता हूँ तो आप देख सकते हैं 10 और 20 प्रिंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ एक और इंसर्ट करना तो मैं 40 इंसर्ट करता हूँ, फिर ट्रेवर्सल करते हैं तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ यदि आइटम को डिलीट करना तो मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरा एक आइटम डिलीट हो गया। अब ट्रेवर्सल करके देखते हैं मेरा कौन सा आइटम डिलीट हुआ, मेरा 40 डिलीट हो चुका है आप देखिए। तो जब मैं डिलीट कर रहा हूँ पॉप फंक्शन के थ्रू, पॉप फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट में एलिमेंट एंटर हुआ है वो लिस्ट में से डिलीट कर देता है। तो लेटेस्ट एलिमेंट जो लास्ट में एंटर हुआ है वो 40 था इसलिए डिलीट हो गया। अब मैं अगर फिर से डिलीट फंक्शन कॉल करूँ तो अभी इसके बाद जो था वो 20 था तो अभी 20 को डिलीट हो जाना चाहिए। चलिए इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं, देखिए अभी सिर्फ 10 बचा है। तो ये मेरे 3 फंक्शन हैं, इंसर्ट डिलीट एंड ट्रेवर्स। तो इंसर्ट के थ्रू मैं एक नया आइटम इंसर्ट कर पाता हूँ, डिलीट के थ्रू मैं जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर पा रहा हूँ, और ट्रेवर्सल से मैं एक लूप लगाकर यहाँ पर रेंज क्या करता है मेरा, लेंथ फंक्शन मुझे लिस्ट का लेंथ देगा और रेंज फंक्शन उस रेंज में 0 से लेके लेंथ ऑफ एल माइनस 1 तक मुझे नंबर दे देगा। देखिए यहाँ पर, चलिए इसको हम पहले एग्जिट करते हैं 4 से। तो मैं एग्जिट हो चुका हूँ अब अपने प्रोग्राम से। यदि मैं रेंज फंक्शन आपको बताऊँ क्या होता है, यदि मैं रेंज देता हूँ 5 तो ये मुझे एक लिस्ट रिटर्न करता है जो कि 0 से लेके 4 तक एलिमेंट होगा। देखिए इसमें रेंज में 0 लेके 5 तक रेंज दिखा रहा है। यदि मैं लिस्ट ऑफ रेंज 5 करूं तो ये मुझे 0 से लेके 4 तक एलिमेंट्स देगा। यदि मेरे लेंथ लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं तो लेंथ मुझे 5 देगा और रेंज 5 मुझे 0 से लेके 4 तक एलिमेंट देगा। तो इसका यूज मैं करूंगा एल ऑफ 0 देन एल ऑफ 1 देन एल ऑफ 2, तो ऐसे ऐसे करके मैं एक सारे एलिमेंट निकाल लूंगा। तो इसके लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया है। तो ये कहलाता है ट्रेवर्सल, सारे एलिमेंट्स को विजिट करना, या यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब मेरे पास एक और फंक्शन बचा जो कि है सॉर्ट, सर्चिंग एंड एक और बचा है जो है सॉर्टिंग। दो फंक्शंस मेरे और बचे हैं, यहां पर हमने बात की थी सर्चिंग की और सॉर्टिंग की, तो हम सर्चिंग और सॉर्टिंग भी देखेंगे। यहां पर मैं एक और ऐड कर देता हूं सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डेफ सॉर्ट फंक्शन में कैसे यूज करूंगा, मैं लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए एक सॉर्ट फंक्शन है लिस्ट का उसको डायरेक्टली कॉल कर दूंगा।
तो ये लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट कर देगा। यहाँ पर मुझे एक और देना पड़ेगा मीनू, फोर्थ नंबर पे मैं दूंगा सॉर्ट, फिफ्थ पर मैं दूंगा सर्च, और एक और सिक्स्थ नंबर में बनाता हूं जो कि एग्जिट के लिए मैं यूज करूंगा। चलिए यहां पर हमें दो मीनू और देना पड़ेंगे, वन इज फॉर सर्चिंग, अनदर इज फॉर सॉर्टिंग। तो मेरा एग्जिट का मीनू सिक्स है तो मैं सिक्स नंबर दूंगा यहां, और फोर्थ नंबर पे मेरा सॉर्ट तो मैं यहां पर सॉर्ट फंक्शन कॉल करूंगा, और फिफ्थ नंबर पर मेरा सर्च है तो मैं यहां सर्च फंक्शन कॉल करूंगा। तो मैंने सॉर्ट फंक्शन तो बना लिया है, चलिए सर्च फंक्शन भी बना लेते हैं। तो सर्च फंक्शन के लिए मुझे सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, तो फिर मैं यहां पर ट्रैवर्सल का ही कोड यूज करूंगा। तो यहां पर मैं सारे एलिमेंट्स को विजिट कर पा रहा हूं, तो प्रिंट करने की जगह मैं क्या करूंगा, यहां पर सारे एलिमेंट्स को चेक करूंगा। इफ लिस्ट का ये एलिमेंट इक्वल टू आइटम है, आइटम क्या है, मैं यूजर से सर्च करने के लिए एक एलिमेंट लूंगा जिसको यूजर अपने डेटा लिस्ट ऑफ डेटा में चेक करना चाहता है। तो यहां पर मैं चेक करूंगा, तो यहां पर मैंने यूजर से डेटा ले लिया है। अब मैं यहां पर इफ में चेक करूंगा, इफ डेटा मुझे मिल जाता है देन मैं प्रिंट कर दूंगा आइटम इज अवेलेबल एट, किस पोजीशन पे अवेलेबल है, आई पर होगा, इसका इंडेक्स आई होगा यदि वो मिलता है। तो इसके बाद मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा, दैट मीन्स मेरा यहाँ पर मुझे एलिमेंट मिल चुका है। चलिए इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि मैं वन प्रेस करूँ तो मुझे इंसर्ट करने के लिए बोलेगा आइटम, मैं कुछ आइटम्स रैंडमली इंसर्ट कर देता हूँ। और ट्रेवर्स करके हम देख लेते हैं, ये तो मैंने ये सारे आइटम्स इंसर्ट कर दिए हैं। चलिए इसको पहले हम सॉर्ट करना देखते हैं, तो चलिए इसको फोर्थ नंबर में कॉल करूंगा, तो क्या कॉल होगा, सॉर्ट फंक्शन एल डॉट सॉर्ट। तो अब हम फिर से ट्रेवर्स करके देखते हैं, देखिए मेरे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ कुछ एलिमेंट को, तो यहां पर मैं जैसे लिखता हूं सेवन सर्च करना, तो वो मुझे बताएगा सेवन इज अवेलेबल एट इंडेक्स टू, तो जीरो वन एंड टू, सो टू पर मुझे सेवन मिल जाएगा। यहां पर मैंने आपको समझाने के हिसाब से बहुत ही छोटा कोड बनाया है, सारे फंक्शंस एक एक दो दो लाइंस के बनाए हुए हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंगली और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें और कंडीशंस लगा के आप सारी कंडीशंस को मैच करने के लिए कोड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आइटम सर्च करने के लिए एक बहुत ही छोटा कोड बनाया है जो कि आइटम सर्च होने पर मुझे बता देगा आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा यदि आइटम एग्जिस्ट करता है, यदि आइटम नहीं है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उसको हैंडल नहीं किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको वहां पर यहाँ सर्च फंक्शन में भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरे थे बेसिक फंक्शंस और ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर चेंजेस करके इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका कोड पूरे सारी कंडीशंस को हैंडल कर सके। यदि यहाँ मुझे डेटा नहीं मिलता है सर्च में तब ये आपको नो एलिमेंट फाउंड करके मैसेज दे, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, यदि फिर भी आपको कोई एरर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
थैंक यू।